हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉम स्कॉलर। आज हम इस लेक्चर वीडियो में नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट हम टूल दिखाना चाह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड काई स्क्वायर। देखिए, वैसे तो हमने जो है पैरामेट्रिक टेस्ट हमने चार पढ़े थे, लेकिन ये एक और पैरामेट्रिक टेस्ट है काई स्क्वायर। ये अलग से इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसका डेटा एक ऐसा नेचर ऑफ द डेटा जो है वो डिफरेंट है। अब तक हम जो डेटा पढ़ रहे थे, आपका डेटा आपका मैक्सिमम जो है वो रेशियो स्केल में होता था, बट यहाँ पर अब जो डेटा आपका जो है नॉर्मल डेटा है, यानी कि दोनों ही जो है आपके डेटा, दो डेटा हैं, दो वेरिएबल हैं, और दोनों आपके पास जो है वो क्या है, नॉर्मल, यानी कि क्या कहते हैं, कैटेगरियल डेटा है। देखिए, मान लीजिए पहले आपको देखना हो कि काई स्क्वायर टेस्ट कब लगाते हैं। जब हम किसी भी दो वेरिएबल के बीच में हम जो एसोसिएशन देखना चाह रहे हैं, यानी कि रिलेशनशिप देखना चाह रहे हैं, क्या इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है या नहीं है, तो इसलिए हम देखते हैं काई स्क्वायर। अब बोलोगे सर आप इसमें तो हम कोरिलेशन देख सकते हैं। हम कोरिलेशन भी नहीं देख सकते क्योंकि हमारे पास यहाँ पर दो डेटा जो है वो कौन सा है, कैटेगरियल डेटा है। इसलिए हमें क्या दिखाता है, काई स्क्वायर टेस्ट। आइए इसको देखते हैं, हम इसको एक केस स्टडी के थ्रू देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहले वेरिएबल व्यू में देखते हैं। तो कंपनी ने देखिए यहाँ पर अपने एम्प्लॉयज को कुछ बेनिफिट्स दिए हैं। कौन कौन से बेनिफिट हैं, यहाँ पर दो टाइप के बेनिफिट हैं, यहाँ पर मॉनिटरी बेनिफिट एंड नॉन मॉनिटरी बेनिफिट। अब कंपनी देखना चाहिए क्या इनका जो इम्पैक्ट है, क्या वो इसका परफॉर्मेंस पे फर्क इफेक्ट आता है या नहीं आता। तो कंपनी ने जब इसको मेजर किया तो कुछ पे तो आया, कुछ पे नहीं आया। ठीक है, तो जिस पे आया हमने इसको वन लेबल कर दिया, जिसको नहीं आया उस पर नो कर दिया। अब आप इसका डेटा व्यू देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये इनको जो है मॉनिटरी बेनिफिट दिया, ठीक है, एंड कुछ का जो परफॉर्मेंस अच्छा आया, कुछ का नहीं आया। मीन्स मॉनिटरी बेनिफिट देने के बाद भी कुछ लोगों ने जो परफॉर्मेंस अच्छी दी, कुछ लोगों ने नहीं दी। फिर उसके बाद कुछ को तो नॉन मॉनिटरी बेनिफिट दिया, तो उन पे जो है कुछ पे तो भी परफॉर्मेंस उनकी अच्छी रही और कुछ की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। ठीक है, तो अभी देखना चाह रही कंपनी क्या कौन सा बेनिफिट देने पे उनके परफॉर्मेंस पे जो है पॉजिटिवली इम्पेक्ट आ रहा है। अब हम क्या देखना चाह रहे हैं कि क्या परफॉर्मेंस का कि क्या बेनिफिट बेनिफिट देने से क्या देर इज अ एसोसिएशन बिटवीन बेनिफिट और परफॉर्मेंस और नॉट। कंपनी देखना चाह रही है बेसिकली और कुछ नहीं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम काई स्क्वायर टेस्ट कैसे लगाते हैं। गो टू एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड देन क्लिक ऑन क्रॉस टैब्स। रो कॉलम में आप कुछ भी लिख सकते हो। मैंने मान लीजिए कॉलम में इसको लिख दिया स्टैटिस्टिक्स, काई स्क्वायर टेस्ट देखेंगे, बाकी हम कुछ नहीं देखेंगे। सेल्स एक्सपेक्टेड भी देखेंगे, हम रो परसेंटेज भी देखेंगे। फॉर्मेट असेंडिंग, दैट्स इट, एंड देन क्लिक ऑन ओके। तो अब हमारा ये आउटपुट आ गया। तो देखिए हम यहाँ पर हम क्या देखना चाह रहे हैं, एसोसिएशन बिटवीन द टाइप ऑफ बेनिफिट एंड देयर परफॉर्मेंस। तो उसके बाद टाइप ऑफ बेनिफिट एंड देयर, ये हमारा कोरस टेबुलेशन आ गया। क्या दिखा रहा, देखिए अगर मॉनिटर बेनिफिट हुआ काउंट, यानी कि कितने लोगों का जो है वो परफॉर्मेंस अच्छी रही कि नहीं रही। तो मॉनिटर बेनिफिट जितनी दी टोटल किसको दी, 30 लोगों की दी मॉनिटर बेनिफिट दी, उसमें से 20 लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी रही, बाकी 10 के 6 नहीं रही। जबकि एक्सपेक्टेड ये था, एक्सपेक्टेड ये था आया इधर आओ, और इसमें एक्सपेक्टेड ये था और आया इधर आओ। ठीक है, तो मॉनिटर बेनिफिट देने से लग रहा है आई थिंक ये कुछ पॉजिटिव है, भाई एक्सपेक्टेड इतना था और आया था, तो ये तो पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है। और जितने नॉन मॉनिटर बेनिफिट देने से टोटल 120 लोगों को जो है यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को यहाँ पर नॉन मॉनिटर बेनिफिट दिया, और 45 एम्प्लॉयज़ की जो परफॉर्मेंस अच्छी रही, बाकी 75 की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। इसमें एक्सपेक्टेड देखिए यहाँ पर कितना था, 52, और आया कितना एक्चुअल 45, तो यहाँ पर क्या हुआ, नेगेटिव इम्पैक्ट हो गए दो। ठीक है, और इसमें क्या था, देखिए एक्सपेक्टेड कितना था 68 और 75, यानी कि ये नॉन मॉनिटर बेनिफिट देने से लगता है यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया। राइट, अब हम देखते हैं ओवरऑल कि परफॉर्मेंस की बेनिफिट देने से क्या परफॉर्मेंस पे इफेक्ट हुआ ही नहीं हुआ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको देखना है काई स्क्वायर टेस्ट, देखना आपको यहाँ पर देखिए ये पियर्सन काई स्क्वायर टेस्ट, इसकी वैल्यू कितनी है 0.001, दैट मीन्स ये सिग्निफिकेंट आ रहा है, विच इज लेस देन 5%। ठीक है,
तो अगर हम देखें आपका नल हाइपोथेसिस क्या होता है, दैट मीन्स देर इज नो एसोसिएशन बिटवीन द बेनिफिट एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज, तो ये नल हाइपोथेसिस हो गया। और ऑल्टरनेटिव क्या होगा, दैट देर इज एन एसोसिएशन बिटवीन द टाइप ऑफ बेनिफिट एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज। तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर लेस देन 5% है दैट मीन्स हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, दैट मीन्स वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। ठीक है, रिजेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या कह रहे हैं, हम यहाँ पर बेनिफिट का और इम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस यहाँ पर एसोसिएशन है, राइट। सो दिस इज द वे ऑफ इंटरप्रेटिंग द काई स्क्वायर इन द स्पेसेस। सो दिस इज द ऑल अबाउट दैट इज पैरामीटर टेस्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू, प्लीज कीप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।